हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी मैं जा रहा हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट आधार सेंटर प्लस बिजली ऑफिस। तो आज मुझे आधार में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है प्लस बिजली ऑफिस में बिल जमा करना है। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी तो जा ही रहा हूँ। इसमें रही डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक का मार्कशीट, प्लस यहाँ तो रास्ते में हूँ, प्लस यहाँ से जाना है। वो जो लंबी लंबी पेड़ नज़र आ रही है, उसके उस पार से मुझे बस मिलेगी, तो आपको नज़र आते होंगे। गाइज, मैं अभी बता रहा था कि मैं यार बिजली बिल भूल गया था, तो मैं जमा कैसे करता। तो फाइनली मेरा भाई आ चुका है, जमा बिल दे देगा तो मैं जमा कर दूंगा। तो यहाँ से चलूंगा टोटो से, फाइनली मैं निकल जाऊँ, इसको वापस भेज देता हूँ घर, क्योंकि तो भाई को भेज दिया मैंने घर। यहाँ से मैं दिखाऊँगा अपनी मेन रोड, नेशनल हाईवे। तो गाइज, फाइनली मैं रोड पे पहुंच चुका हूँ। अब कर रहा हूँ वेट, जब तक ऑटो ना आ जाए तब तक मैं खड़े रहूँगा यहाँ पे, वेट करूँगा। तो फाइनली जब ऑटो आ जाएगी तब मैं चलूँगा अपना डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज, फाइनली मुझे रोड मिल चुकी है। लाइफ का पहला सफर मुझे, डिस्ट्रिक्ट का समर नाले। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ज्यादा नहीं 5 मिनट की दूरी है, तो फिर चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, ढेर सारी भीड़ नजर आ रही है, वही है आधार सेंटर। तो मैं जब चलूंगा तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली यहाँ पे हो गया हमारा आधार करेक्शन। अंदर तो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, बट जो मेरा काम हो जाएगा तो फिर काम होने के बाद मिलता हूँ। आज वो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब आधार अपडेट डेट ऑफ बर्थ एक बार ही होता, मैंने 2 बार कर चुका, तीसरी बार कराने आया था तो हुआ ही नहीं। अब चलते हैं दूसरी आधार सेंटर पे, इसने तो सही से बात ही नहीं किया मुझसे। अब चलते हैं दूसरी आधार सेंटर पे, वो क्या बताते हैं, उसके बाद क्या होगा उनसे सही राय लेते हैं मैं। तो फाइनली हमें दूसरी आधार सेंटर के लिए मैं निकल चुका हूँ। प्रखंड अंचल करियाले वहाँ, ये सब सारे ब्लॉग ही यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरह का हर जगह पे काम होती है, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है। इस रोड के उस पर सामने आए वो है रोड, मेन रोड, वहाँ से मुझे टोटो मिलेगी। क्या होता भाई आगे, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ। जब अपनी खुद कोई भी काम के लिए करने के लिए निकलता है, अगर काम नहीं होता बहुत तकलीफ होता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए यार। देखते हैं आगे अब क्या होता है।
फाइनली मेरा टोटो का सफर खत्म। मिनिमम 5 मिनट का रास्ता है आधार सेंटर, फाइनली मैं आधार सेंटर जा रहा हूँ। अभी पता है सामने क्या चीज का विसर्जन होने जा रहा है, किसी मूर्ति का मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सब मिली मुझे छुटकारा, यहाँ से है 5 मिनट की रास्ता, चलते हैं देखते हैं क्या होता आगे आगे। यार बांका डिस्ट्रिक्ट का डोगोनिया मार्केट फर्स्ट गली, यहाँ से देखते हैं सामने यूको बैंक में ही है आधार सेंटर। ये सामने यूको बैंक की यहाँ से होती है एंट्री, बस देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं बैंक की तो वीडियोस तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि पता नहीं क्या होता है, किसी ने मना कर दिया। तो फिर तो फाइनली मेरा आधार अपडेट का फॉर्म भी मिल चुका है, ये तो भरूंगा अभी, देखते हैं भरने के बाद क्या होता है नहीं होता है देखते हैं। फाइनली आधार सेंटर में तो साइड थोड़ी नहीं रहा, मेरा काम ही नहीं हुआ, आप चलते हैं। अभी तो फाइनली मैं जा रहा हूँ बिजली ऑफिस के लिए, मैं बिजली ऑफिस तो पहुँचूँगा, देखते हैं आगे काम क्या हो रहा है। ये रही बिजली ऑफिस, मैं इस साइड से आया हूँ, यहाँ से देखते हैं एंट्री हो रही है। ये बिजली ऑफिस के सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है भाई, ये हमारे देश की तिरंगा शान। तो गाइस कहने का मतलब मेरा ये है कि आज मेरा बिजली का बिल जमा होगा 2521 रुपये, तो काम हो जाएगा, अगर काम ओके हो जाता मेरे चेहरे की स्माइल कुछ अलग ही होता है। तो भाई फाइनली मैंने बिल जमा कर दिया, अब चलते हैं यहाँ से हाउस घर। तो फाइनली इस साइड से मेरा घर, यहाँ से चलते हैं, पकड़ते हैं ऑटो टोटो वगैरह, फिर निकलते हैं घर के लिए। फाइनली ये रही रास्ता, मौसम तो बहुत ख़राब हो चुके हैं, लग रहा बारिश होने वाली है, तो फाइनली चलते हैं। ये रही मेरी मार्केट, मेरी बांका डिस्ट्रिक्ट का। तो फाइनली मैं भाई के शॉप पे आया था, एक शर्ट ले लिया, बहुत अच्छी शर्ट है। बस ये वाली शर्ट अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कैसी है, बाकी मेरा 500 रुपीज़ में लिया। तो गाइस फाइनली शर्ट तो ले लिया, लेकिन मैं पहन के ही निकल रहा हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा लगा था, फाइनली मैं पहन के चले जाता हूँ, अच्छा ही लगा था। एड अब तो घर निकलते हैं, यहाँ से फाइनली 500 मीटर की दूरी है बस स्टैंड, फिर वहाँ पे जाऊँगा, फिर गाड़ी पकड़ेंगे, देखते हैं फिर मिल जाएगा टाइम पे तो मैं पहुँच जाऊँगा। और बाकी अभी तो रास्ते में हूँ, यहाँ से कम से कम भाई बताया ना मैं 500 मीटर की दूरी पर है बस स्टैंड, तो फाइनली मैं जा रहा हूँ। ये वाली कांच वाली बिल्डिंग मॉल है B2, बहुत अच्छी है, बट मैं अभी टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने एक शर्ट भी ले लिया तो टाइम भी नहीं बचा ना पैसे बचे, तो मैं लूँगा क्या फालतू का टाइम बिताने के लिए, मैं तो जा भी नहीं सकता। तो ये रहा फाइनली B2, मैं तो क्या बताऊँ मैं जाऊँगा ही। फाइनली
लिए अपनी बस स्टैंड जा रहा हूँ मैं अभी। ये सामने भाई चाउमीन लगा के रखे हैं, लग रहा है यहाँ की चाउमीन मैसूर है, तो देखते हैं खाते हैं आगे आके, नींद तो जाएगा ही भाई। मात्र 20 रुपए की हाफ प्लेट चाउमीन है और बहुत अच्छी सजावट में दी है, तो टेस्टी भी कुछ अलग प्रकार की भाई। खाने में तो कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है, मात्र 20 रुपए की हाफ प्लेट खाने में तो बहुत टेस्टी है। पहले चाउमीन तो भागे में टेस्टी तो बहुत अच्छी थी, अभी तक तो यहाँ से खाए। यहाँ की शॉप तो बड़ा मस्त मस्त है भाई, टाइटन वर्ल्ड टाइटन। इधर है शॉप की दुकान, बड़े शॉप का मॉल, पीटर इंग्लैंड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। इधर भी है बड़े वीआईपी शॉप है यार, मॉल है। तो मैं फाइनली बस स्टैंड तो पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से देखते हैं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, वेट करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा, बाकी बारिश का भी मौसम बहुत हो रही है धीरे धीरे। फाइनली टोटो तो मिल गई है, तो बहुत अब तो यहाँ से निकल चुका हूँ मैं घर के लिए, लगेंगे 2.5 घंटे। फाइनली मैं अभी ऑटो से उतर चुका हूँ, ये हमारी ग्रामीण रोड है, यहाँ कितनी हरी भरी, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी, कितनी अच्छी लग रही है गांव की ये सड़कें मेरी जा रही है, कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अभी उतरा हूँ, तो चल रहे घर पे, अब घर जा रहा हूँ, तो बस चलते हैं घर पे, घर के बाद मिलते फिर। वाली रोड से मैं आया, ये है सामुदायिक भवन, यहीं पर इसके पास ही मैं अम्बेडकर जयंती मनाता हूँ। फाइनली ये रहा मेरा गाँव, अच्छा ये यहाँ से अंदर जाऊंगा मैं, बाकी ये रही सड़क। तो भी है मेरे गांव की हरियाली तो बहुत अच्छी है भाई, अभी तो पतझड़ का मौसम है, सब उजड़ा को उजड़ा से लग रहा है, बाकी सब कुछ सही है। तो फाइनली मैं अभी घर जा रहा हूँ, चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। हे गाइस, रात बज चुके हैं 8:20, कपड़े धोने के लिए, मेरी वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।